Ese no. Bendito. ¿Bolo? ¿Horco se? ¿Horco se? ¿Internet? Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Bosani? ¿Chiche si cae ahí? ¿Exanga? ¿Exanga? Porque esta, ¿exanga? 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 चिंतन मंथन करता रहा मैं कैसे बताऊं इस चीज को एक्शन का रिएक्शन जो आज सुनने वाले हो अभी इसी साल से शुरू हुआ इस टॉपिक के ऊपर और बहुत इफेक्टिव है और जल्दी मैं सोचता हूं भाई लोगों को एक लाइक इधर बनाना इधर आ जाओ सामने है ना भाई एक लाइक इधर बनाओ देखो हां बड़े ध्यान से देखो माता कैसे भाई जी को क्या देखो 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 हाँ बड़े ध्यान से देख लीजिए देखो माता अरे नहीं देखना है ये तो पेपर है आपके लिए कोई उठ रहा जा रहा है हमें देखना जरूरी है तो ये हमारी लोगों में सबसे बड़ी बाधक है जो कई दर्शन से हमने आदत बनाया ना दूसरों को देखने की भट्टी में कुछ भी हो जाए कोई नहीं देखेगा ठीक है हाँ जी बोलो क्योंकि प्रैक्टिकल हम ट्रेनिंग करने वाले हैं क्या करने वाले हैं मुस्कुरा करो क्या करने वाले हैं मैं कई जगह पर गया जिनके मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं टेंशन डिप्रेशन में चले गए आप सभी ने भी कमाल की होंगी लेकिन एक ऐसी चीज है अभी अभी मैं सिलीगुड़ी में गया था 6 महीना पहले जैसे ही मैं गया एक क्लास कराया सेंटर में 1 घंटे क्लास कराया तो भाई ने अपने बेटे को लेके आ गया बोला भाई जी मेरे बेटा को थोड़ा दृष्टि दे दो कुछ बोल दो मैंने क्यों बोला देखो आपने इतना अच्छा क्लास कराया ना मेरे मन में सारे डिप्रेशन तनाव निकल गया और मेरा बेटा जो है 3 साल से बोल नहीं पा रहा ठीक से फिर चेहरा निकला देखा आपको मुस्कुरा के सुनना है क्योंकि इस महाभारत की लड़ाई में कृष्ण जैसा हमारी चेहरा होना चाहिए आया ना नहीं नहीं भाई साहब आपने तो ढाई दर्शन से रो के हमारी चेहरा बिगाड़ा ऐसी थोड़ी कितना रोया आज भी फटाफट कितने गुस्सा करते हैं कितना रोते हैं और गुस्सा भी ऐसे देखा आप करते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपने मुझे पैसा नहीं दिया ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे कभी किया कैसे कैसे चेहरा बनाते हैं डिस्कवरी चैनल मैंने देखा चाइना का डिस्कवरी चैनल देखा तो कोई कोई नाक को ऐसे घुमाते एक बार एक बहन जी का इंटरव्यू लिया गया क्योंकि वो बहुत मिरेकल चीज है आजकल टैलेंट शो चलता है ना हेलो टैलेंट शो चलता है तो टैलेंट शो में जब हम देखते हैं वो बहुत अलग अलग ढंग से दिखाते हैं तो एक बहन जी क्या करती है ऐसे करके 1 सेकंड में ये जो आईब्रो है यहां तक पहुंचा दिया आपका होगा लेकिन आपने तो उससे भी बड़ी ताकत देखी है उस बहनी को ट्रेनिंग में पूछा गया कि ये आपने कैसे किया बोला भाई साहब मैं 3 साल लगातार प्रैक्टिस किया हूं ऐसे वो 3 साल में इतना हासिल की है हमने 2500 से कैसे बिगाड़ा चेहरा को रोया या नहीं हाँ जी बोलो क्रोध किया या नहीं गुस्सा किया या नहीं क्रोध गुस्सा एक ही होता है अच्छा ईर्ष्या किया या नहीं नफरत किया या नहीं घृणा किया या नहीं सब तो घृणा करनी कैसे करने वो ठीक नहीं करते या नहीं तो कितने साल से कर रहे हैं हम बोलो ना सभी वो तो 3 साल में बहन जी आपने सर्टिफिकेट ली ये करने की इसको यहाँ उठा देते हो हमने तो 2500 साल से रो रो के चेहरा बिगाड़ा है क्योंकि लक्ष्मी नारायण देखो चेहरा कैसे हर्षित मुख वाले थे या नहीं आदि तो बोलो अब वो लक्ष्मी नारायण कौन थे लक्ष्मी नारायण देखो आप एक मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए तो वहां 2000 किलो चावल खरीदना है कितना बात नहीं मेरे साथ कितना
तो दुकान वाले कितना सारा चावल दिखाएगा? थोड़ी सी दिखाएगा, सिंपल। तो बाबा भी हमारे सामने लक्ष्मीनारायण को सिंपल रखा है। सभी लक्ष्मीनारायण जैसा देवी देवता सब देखे होंगे, होंगे ना? सबकी चेहरा कैसे होगा? लेकिन हमने बिगाड़ना कब से शुरू किया? और बिगाड़ बिगाड़ के यहाँ बैठे हैं। लेकिन बाबा आके हमें बोलता है, मेरे मीठे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, बोलो बोलो, मैं मीठा बच्चा हूँ, हाँ मैं मीठा बच्चा हूँ। इस बात की मुरली को बड़े ध्यान से सुने। सचमुच जब भी मैं क्लास में बैठता हूँ, कराता हूँ, कभी कभी मुस्कुराहट नहीं आती, लेकिन मैं एक्टिंग कर लेता हूँ क्योंकि स्टेज पर बैठा हूँ, और वो एक्टिंग ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। हमने द्वापर से क्या किया, एक्टिंग करते करते आए।